नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल कंट्री न्यूज पर। कई सौ छात्र ने सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि कोरोना वायरस महामारी के बीच 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा रद्द कर दी जाए। लेकिन इस मामले में हिंदुस्तानी भाव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, पुलिस का कहना है कि इस बात की जाँच करेगी कि छात्रों को ये भीड़ हिंदुस्तानी भाव के कहने पर जमा हुई। दरअसल सोमवार को कई छात्रों ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड को लेकर धारावाही की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा माना जा रहा है कि विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव के उकसाने वाले वीडियो के बाद इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया था। हाल ही में एक लाइव वीडियो में फेमस यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव ने ऑफलाइन परीक्षाओं के मुद्दे पर कक्षा 10 और 12 के छात्राओं की चिंता पर आवाज़ उठाई। वीडियो में हिंदुस्तानी भाव यह कहते हुए सुना जा सकता है, जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, हो सके तो ये कल के कल परीक्षा रद्द करने का फैसला लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं और मेरे छात्रों के साथ वर्षा गायकवाड़ के दरवाजे पर आंदोलन करूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। आपको मुझे जेल में डालना है तो डाल दीजिए, आपको जो करना है करिए, मुझे परवाह नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी हिंदुस्तानी भाव के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।